यहाँ आ गए। फिर क्या बाबू, जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाई टू सर। अब जीरो के बाद कितना डिजिट है, एक को डिजिट नहीं बाबू, तो पावर क्या करना, जीरो करना, पावर जीरो हो गया। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो वन मल्टीप्लाई टू के पावर थ्री है, मतलब बाबू टू के पावर थ्री कहने का मतलब दो को तीन बार मल्टीप्लाई करो, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, शांति से सुनो ठीक है ना। दो के पावर थ्री मतलब दो को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करें तो टू दुनी चार दुनी एट हो जाएगा। प्लस बाबू जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। वन बाबू मल्टीप्लाई टू के पावर वन है तो दो के पावर वन मतलब एक ही बार मल्टीप्लाई, तो दो हो जाएगा। और जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। वन इंटू एट एट हो गया सर, जीरो रहने तो बाबू जीरो ऐड करेंगे, जीरो का टू कितना हो गया, टेन हो गया। तो इसका बाबू इसका बाइनरी का डेसिमल वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा, टेन हो जाएगा। इसी तरह से करना था सीधा, ठीक है। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, सेकेंड मेथड में क्या करेंगे बाबू, कुछ ना करेंगे। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, जो जो लिखना शुरू किया अभी अभी देख रहे हैं, अभी आप लोग को देख रहे हैं। ए सत्यम क्या कर रहे हो बाबू, सत्यम समझता नहीं है, बना रहे बाबू, समझ में आया नहीं है, बना रहे हो, उड़ रहे हो, समझो बाबू। सेकेंड मेथड क्या, जो नंबर बाबू जो नंबर है वो नंबर लिख लो, ठीक, सेकेंड मेथड में, ठीक है। तो इस पहला डॉट हो गया, नंबर के नीचे डॉट करो, सेकंड डॉट, ये थर्ड डॉट, ये फोर्थ डॉट। तो इस नंबर का बाबू नंबर के नीचे क्या करना, डॉट करना, ठीक। इसका वैल्यू कितना है सर, वन है सर। इसका वैल्यू सेकंड डॉट का टू है सर। थर्ड डॉट का बाबू फोर होता है, एट, फोर्थ डॉट का एट होता है। अब इसमें बाबू जिस जिस नंबर पे हो, जिस जिस डॉट पे बाबू वन है, उसके नंबर को ऐड कर दो, उसके वैल्यू को ऐड कर दो। तो किस किस पे डॉट है सर, एट वाले पे डॉट है ना, यहाँ पे वन है बाबू, ठीक है, एट हो जाएगा। और वन कहाँ, यहाँ सर। तो इसके इसका वैल्यू क्या बाबू, टू है। इसके नीचे वैल्यू क्या, टू है। तो एट प्लस टू कितना हो गया, टेन हो गया। मतलब बाबू 1010 का अगर बाइनरी कन्वर्जन करें बाबू तो कितना आ जाएगा, टेन आ जाएगा, टेन आ जाएगा। तो ये हो गया डॉट मेथड। अब वो हो गया बाबू, ये बाबू ये एक्सपेंडेड मेथड हो गया, एक्सपेंडेड मेथड, समझिए कंचा। चलो ठीक है, सालनी आप समझिए बाबू, दो को भागा कौन, समझ गए ठीक है। दीपक आप, दीपक यस सर समझ गए। हाँ बाबू चलो, बाहर सारे बच्चे हमारे तेज हैं बाबू। दो का भागा कौन, शैतान। उत्कर्ष वीडियो ऑन करो, शैतान धर्मवीर तो है ये है, एक हो गया नारायण, चलो तो इस बच का नहीं है। माय वीडियो इज ऑन, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू। वह देखो धर्मवीर गप करने में लगा हुआ है, बात धर्मवीर सर रिटेन, ठीक है बाबू। अब एगो भागा कौन से शैतान, सम्य अनुज। हाँ बाबू बोलिए धर्मवीर। 76 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। 76 को बाइनरी में, यस सर। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस आपको आ गया बाबू, नहीं सर एक बार करके दिखा दीजिए। ऐसे शैतान है हमारे तेज तरार बच्चे, कौन कौन तेज है सर, हो गया। अच्छा ठीक है सर, सर अरे सुख चुप रहो पहले, 76 को सारे मिलके कन्वर्ट करो तो बाबू। सर ये स्कूल का क्वेश्चन है। अरे स्कूल का रहा चाहे कुछ हो कर रहा है, हमको से क्या मतलब, करो बाबू मेरे वीरवार होना। पीयूष बाबू कीजिए, 76 का क्या, 76 का बाबू, 76 का आप ये बाइनरी में कन्वर्ट करो, जल्दी करो तेज तरह स्टूडेंट। अंकित बाबू कीजिए, 76 को डेसिमल में इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, करो सारे बच्चे। बाबू आपके बीच से एक बच्चे ने आपके बीच से कोई स्टूडेंट पूछ दिया कि इसको कन्वर्ट करके, तो हमारे वीरवार बोनहार के वीरवार है ही है, तो हम क्यों करें, नहीं होगा तो फिर हम करते हैं। सेल बन गया, कितना आया सेल, 1001 00 00 00। एक दो चार आठ 16 32 64, तो ये 64 हो गया। 1 2 4 8 प्लस 8 हो गया 1 2 4, ये 64 आठ कितना हो गया, ये 12, ठीक है। तो है बाबू क्या दिक्कत है बाबू, बताओ धर्मवीर।
सर इसमें आप पहले ये जो इसका बचता रिमाइंडर तो आप पहले ही लिख देते हैं, इसको देखें सर इसका ऐसा सोल्यूशन। अरे बाबू बता, जब आपसे बाबू छोटे का बच्चा बता दिया भाई बल्ला बाबू, इतना आपको बनाए हुए सर का देखिए ठीक है। बता बाबू धर्मवीर, ऊपर से उठा बाबू, ऊपर 76 को ऊपर रिमाइंडर लिखिए, 76 को ऊपर रिमाइंडर लिखिए, ठीक है ना? कन्वर्ट कब करना है? अरे शैतान नीचे जीरो क्यों दिया, लास्ट वाला जीरो नहीं होगा बाबू, ये शैतान भूल गया, पढ़ा लिखा भूल गया। राकेश सर बता तो ऐसे ही, राकेश सर बता थोड़ा रहने दो, 0 0 1 1 0 0 बेस 10। चलो ठीक है बाबू, भैलू आता है कि नहीं आता, सीधा सी बात है, राकेश सर क्या बताया नहीं बताया आपको, क्या उससे भैलू आ जाता, भैलू आता सर। हाँ बाबू चलो, सारे हमारे बच्चे तेज हैं, समझा बाबू धर्मवीर, बता दिया हो गया। हाँ बताना पड़ेगा क्या बाबू, बता दीजिए सर एक बार। अरे शैतान देखो बाबू हद कर दे, बताने वो तो शॉर्टकट मेथड से बना लो ना शैतान, क्या दिक्कत है, शॉर्टकट वाला बता दे, सेकंड मेथड से लॉन्ग वाला बताइए सर। अच्छा बाबू लॉन्ग वाला बताइए, बता सब बच्चे हमारे इतना जल्दी बता दिए, खुशी होता है। चलो ठीक है, 76 है बाबू, 2 टाइम्स कितना आएंगे, 38 आएंगे, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है शैतान धर्म, इतना सारा 10 क्वेश्चन करवाए फिर भी ना पड़ता है। 290 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, 2 से बाबू 9 18 हो गया, रिमाइंडर 1 हो गया, 2 से बाबू 4 2 रिमाइंडर 1 हो गया, 2 से बाबू 2 हो गया, रिमाइंडर कितना हो जाएगा शैतान, 0 हो जाएगा, और 2 से बाबू 1 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसे लिख दो। डाउट है का सर धर्मवीर? नहीं सर हो गया, हो गया ना, चलो ठीक, नेक्स्ट बाबू, आंसर आ गया, वेरी गुड। तो इस तरह से पढ़ो शैतान, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए आराम से बन जाना चाहिए। और सेकेंड मेथड हाल ही कोई आपको बताएगा नहीं, सब इसी तरह से फैक्टर करके बताएगा, ठीक है ना? इसके लिए बाबू आपको इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है, कंप्यूटर साइंस एगो सब्जेक्ट रहता है, हम लोग को इंजीनियरिंग में पढ़ना था, तो जो बीटेक के लिए इंजीनियर के इंजीनियरिंग के लिए रहेगा ना वही बताएगा सेकेंड मेथड, नहीं तो बाबू सब इसी बताता है। नेक्स्ट बाबू थर्ड नंबर क्वेश्चन, सर इतना बड़ा आ जाए तो सर इसको कैसे करेंगे, बाइनरी है सर, इसका डेसिमल कैसे करेंगे, तो दोनों मेथड सर है ना, दोनों मेथड करो जल्दी से बाबू, इंक डालते हैं ब्लैक कलर में, रेड में इंक नहीं, जल्दी कीजिए मेरे बाबू सब, आई मिस्टेक क्या कर रहे, इसको धोना पड़ेगा, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। हाँ बाबू, हाँ बाबू, मिस्टी देखो चल गई, मिस्टी गई, नो सर क्लास में, अच्छा हो बाबू, अच्छा ठीक है बाबू, आपको तो अब आएंगे तो धोएं, तो फिर पूरा कर ले, कभी बचा हुआ सर? बचा हुआ हाँ, तो संडे तक काफी ना टाइम मांगी हो, 2 दिन, 1 2 4 8 16 32 31 होगा, हाँ ना वो 31 होगा, सही बात, वेरी गुड, और 31 होगा। तो एंजॉय कर करके पढ़ना, टेंशन से नहीं पढ़ना है ना, टेंशन से नहीं पढ़ना है, देखो तो हमारे स्वाति खुश है, समझ में आता है स्वाति? हाँ बाबू, देखो कैसे करना है शैतान, पहला नंबर 1 है बाबू, 1 लिख दिए, फिर बेस 2 है, 2 लिख दिए, अब इसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4, तो पावर 4 कर दिए, प्लस बाबू, फिर 1 है बाबू, 1 लिख दिए, मल्टीप्लाई बाबू बेस 2 है, हाँ बाबू 31 है, ठीक है, 3 डिजिट बाबू, तब 3 कर दिए, प्लस बाबू 1 है सर, 1 हो गया सर, 2 हो गया बाबू, 2 डिजिट है सर, प्लस बाबू 1 है सर, फिर 2 है बाबू, 2 के बाद 1 डिजिट सर, घटते हुए तो जाना बाबू, प्लस बाबू 1 है सर, 2 के पावर 1 में भी एक घटा हुआ तो कितना पावर 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 2 के पावर 4 है, मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 2 रेज टू द पावर 4 है, मतलब 2 को कितना 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये वो 2 का वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा,
ये फोर हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, प्लस ये बाबू वन हो जाएगा। तो इसको ऐड करवाओ तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। तो एलकेजी का तो चीज है बाबू, आपको पढ़ाया नहीं जाता है तो हम क्या करें, स्कूल में सब बता देना चाहिए, लेकिन नहीं ना बताएगा, सब चौथे पांचवे में बता देगा तो नाइन्थ टेंथ में जाके कैसे पैसा आपसे लूटेगा। स्कूल में सिर्फ लूट चला हुआ है, लूट चला हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकेंड मेथड, ये क्या था बाबू, फर्स्ट मेथड। हमारे यहाँ कोई भी बच्चा बाबू दो से ढाई साल पढ़ लेना तो उसको हम क्लास टेन तक पूरा कवर करवा देंगे। अब हो ही रहा धीरे धीरे, मान दो से ढाई साल। हाँ बाबू, ये आप हेडिंग में क्या लिखे हैं, सबसे पहले हेडिंग में। हेडिंग में बाबू वो जो क्वेश्चन शुरू में हेडिंग लिखे था ना, उसी का क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है। नहीं ध्यान देकर पढ़ोगे तो यही होगा ना। नो सर, उसका बाइनरी नंबर तो डेसिमल वो वाला। हाँ हाँ वही था, बाइनरी टू डेसिमल था, नया हेडिंग नहीं दिया था, पुराने वाला था। ध्यान से पढ़ोगी तब ना बाबू, इधर उधर करने से कैसे होगा। हेडिंग नंबर से कर दिया। हाँ बाबू, तो मम्मी का पैसा क्यों बर्बाद कर रही है। हाँ बाबू, दो दो चार एक पांच है सर, पांच है। अब इसको डॉट मेथड से कैसे बनाएंगे बाबू, तो देखो जितना नंबर है लिख लो, वन 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 वन, फाइव टाइम्स वन है ना, ठीक सर। अब सभी के नीचे क्या कर दो, डॉट कर दो, ये डॉट सर, ये डॉट सर, ये डॉट सर, ये डॉट सर, ये डॉट। पहला डॉट की वैल्यू वन सर, दूसरा डॉट की वैल्यू टू सर, तीसरा तीसरा सर फोर सर, एट सर, क्या बोल रही हो बाबू स्वाति। अब बाबू सारे डॉट पे क्या बाबू, सारे डॉट पे वन है, मतलब इसके वैल्यू को ऐड कर दो, सारे डॉट पे वन है बाबू, मतलब सारे वैल्यू क्या हो जाए, ऐड हो जाएगा, तो 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 31 हो जाएगा, ठीक। तो कुछ है बाबू, कुछ नहीं। अब कितना हो बड़ा नंबर देंगे सर, सारा का सारा लिख लेंगे। अब बड़ा बड़ा देते हैं, ये बाबू एलकेजी का था, फर्स्ट क्लास बता देते, जल्दी लिखो। लिख लिए सर। वेरी गुड बाबू, लिखो पंकज। लिख लिए। वेरी गुड अंकित, वीडियो का है बंद है बाबू अंकित। ए सत्यम, नेटवर्क खत्म हो गया सर, अभी क्लास कट गया था मेरा इसलिए बंद कर दिया। अरे शैतान, चलो ठीक है बंद। आज है जी वितेश अब्सेंट है और अटेंडेंस बाबू। नेक्स्ट बाबू एक बड़ा वाला क्वेश्चन देते, कितना हो गया टाइम, हो गया शैतान, सवा आठ बजे सुबह नहीं सोकर बैठे बाबू, अभी है बाबू, अभी दस मिनट है, अभी दस मिनट बाकी, अभी दस मिनट है बाबू, अभी दस मिनट, अभी टेन दस मिनट। एक क्वेश्चन आओ करते, एक बड़ा वाला करते, एक इसको लिखो जल्दी से, इसको लिखो, बड़ा वाला करते हैं, एक बड़ा वाला करते हैं। फोर नंबर कितना हो बड़ा आ जाए सर, हमको डरना थोड़ी है। 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 इतना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बहुत बड़ा हो जाएगा जी। चलो कोई दिक्कत नहीं, हिम्मत बांध के कर लेंगे, है ना, हम लोग तो तेज करा रहे हैं सर, बच्चा तो है नहीं, कर लेंगे। आप कितना हो बड़ा दो, करो बाबू करो, जल्दी से करो, हमारे सारे स्टूडेंट तेज हैं। एक दो, इसको ऐड करेंगे तो कौन कौन सा होगा सर, 1 2 4 8 16 32 64 28 64 128 256 512 1024 1024 1 2 1 2 4 8 सोलह बत्तीस, बत्तीस दिन चौसठ दो 128, इतना को ऐड करो कर लगभग होगा। करो सारे तेज तरार बच्चे, ये सब चीज अपने स्कूल में अपने दोस्त को जरूर बताना, ठीक है ना, बता, नॉलेज बचा के रखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। अपने फ्रेंड को बताना कि सब पढ़ी हो, कहेगा नहीं पढ़ी। हाँ बाबू सर, मैंने आज एक फ्रेंड को पूछा था ये लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल का क्वेश्चन, तो थोड़ा बता नहीं पाया था।
नहीं बताया वो इंजीनियरिंग 1373 होगा 7 क्लास का है वो अरे 7 करा चाहिए ऐड करा है बाबू 2 वेरिएबल ऐड आर्यन का आवाज हमेशा रुक रुक के क्यों आता है सर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसका बाबू ठीक है 1200 ये कितना हो जाएगा इसको ऐड करना बाबू इसका सारे नंबर को ऐड करना सर 1373 होगा 1373 मेरे एक दोस्त है उसी से 3 से डिविजिबल वाला पूछे थे ना नहीं आया था हाँ बाबू तो नहीं ठीक है नहीं आता तो उसको बता भी दो कि देखो ऐसे पढ़ा जाता है बता भी दो खाली पूछ के छोड़ मत दो और उसको फिर बोलो कि देखो और सीखना मन से तो क्लास अटेंड करो एक बोला 1363 अच्छा चलो 63 और कोई है बोलो धन फिर 1195 और बोलो बाबू सर ये वाला राइट होगा सर अच्छा ठीक है और कोई बोलो धर्मवीर बोलिए बोलो स्वाति साल नहीं मिस्टी सर 1363 और बोलिए बाबू सर 1363 या नामिका झूठ का है बोल रही बाबू की नहीं हो झूठ बोल रही हो शैतान कहें कि हमको पता नहीं बाबू हम पढ़ा रहे हैं तो हमको पता नहीं कि आप की नहीं हो आप बोल रही हो 1195 राइट आंसर होगा ना सर कितना आया चलो शैतान ठीक है चलो मिलके अच्छा ठीक है मिलके करते हैं है ना बाबू सर 683 होगा 600 कहां से आएगा शैतान 600 से ज्यादा आएंगे बाबू नींद में है कहां देखो पहले सेकंड मेथड बता देता सेकंड मेथड आसान है सर फर्स्ट मेथड आप लोग करना ठीक है इसका सेकंड मेथड बता दो क्योंकि टाइम भी होने वाला है सर हां बाबू बोलिए देखो सेकंड मेथड हमारे लिए आसान होता है सर दोनों मेथड में बाबू दोनों डेसिमल टू बाइनरी करो चाहे बाइनरी टू डेसिमल करो दोनों में बाबू सेकंड मेथड क्या आसान है ना क्यों सर जो नंबर है वो नंबर लिख दो कितना सर 1 है सर फिर 0 है सर फिर 1 है सर फिर 0 है सर फिर 1 है सर 0 है और फिर 1111 यही ना बाबू 010 ठीक है 0011 ठीक देखो शैतान देखिए स्वाति इस यहाँ डॉट सर इस डॉट का पहला नंबर का 1 दूसरा नंबर का 2 तीसरा नंबर का बाबू 4 चौथा नंबर का बाबू 8 अरे सर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 2 4 2 6 2 8 1 9 कहा है एक और एक छूट गया सर आपका और एक 10 छूट हाँ तो 1010 ठीक 1 और 00 ठीक है बाबू चलो अच्छी बात ये बाबू इस डॉट का वैल्यू बाबू 16 और इस डॉट का बाबू 32 और इस डॉट का बाबू 64 इस डॉट का बाबू वैल्यू 128 इस डॉट का बाबू 256 अरे शैतान कहाँ गड़बड़ हो गया बाबू और इसका बाबू 512 और इसका डॉट बाबू 1024 हो जाएगा हाँ अब इसमें जहां जहां बाबू 1 है उसके नंबर को ऐड कर दो तो यहाँ 1 है सर 1024 को 1 है तो 1024 हो गया सर प्लस बाबू 256 पे 1 है तो 256 ऐड कर दो प्लस बाबू 64 पे सर तो 64 ऐड कर दो 16 पे 1 है 16 ऐड कर दिए अब प्लस 2 प्लस बाबू प्लस 1 कर दो अभी सारे को ऐड करके देखो समझ में आता है पीयूष 1363 होगा क्या हाँ बाबू तो इसको ऐड करो ना शैतान 1363 का सही है ना अच्छा ठीक है बाबू देखते हैं ऐड करेंगे तब ना 56 बाबू हम ऐड नहीं किए शैतान 56 64 कितना हो जाएगा
अरे शैतान, 2 1 3 8 64 70 ये कितना होगा, 80 हो गया, 80 या 256, 256 बाबू, 80 कितना हो जाएगा शैतान, 6 हो गया, 8 5 13 हो गया, 3 हो गया, 336 हो गया, 336 और 339 और 24 3 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, 3 6 3 हो जाएगा, सही है बाबू, ठीक है। तो अब कोई भी नंबर दे शैतान, कोई भी नंबर दे हमको, क्या होगा, आसानी से बन जाएगा है ना बाबू, ठीक है ना। तो एक आध दो बाबू कल इसमें थोड़ा सा और करवा देंगे, उसके बाद बाबू हम लोग कुछ पढ़ेंगे। आप लोग एक्सरसाइज इसका कंप्लीट करो, नंबर सिस्टम में लगभग सारा चीज बता दे बाबू, नहीं कुछ बचा हुआ है ना, तो इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फोटो खींच के ग्रुप में डाल देंगे, जिसके पास बुक नहीं बुक लो, इसका जो सेकंड एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम उसको कंप्लीट करो, उसके बाद वो अलजेब्रा शुरू करेंगे। एयर में सर सर दो और नंबर बचा हुआ सर, क्या दो नंबर और बचा हुआ, दो और बचा है सर, इसका किसका दो और बचा, मतलब डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, और दो होता है सर, और क्या होता है बताइए, और होता है बाबू, देखो और होता है ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है ना बाबू, यस बाबू, हेक्साडेसिमल होता है, वो सब भी पढ़ोगे तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सब अभी आपको पढ़ना नहीं है, क्लास 10 तक कहीं नहीं पढ़ना है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी सेवन में पढ़ना है सर, पढ़ना है बाबू, कौन से बुक में, सर सेवन में कंप्यूटर में, अच्छा कंप्यूटर में बाबू, सही है कंप्यूटर, ये हम नहीं ना पढ़ा रहे, फिर भी पढ़ा देंगे शैतान, कोई दिक्कत नहीं है, आप फोटो खींच के भेज देना, ठीक है बाबू, बता देंगे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी बाबू, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल, तो भेज देना बाबू, उसमें देखेंगे क्या क्या दिया हुआ, हेक्साडेसिमल से डेसिमल दिया हुआ, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बहुत आप लोग दिमाग खराब करते हैं, सर भेज देंगे, ठीक है बाबू भेज देना, ग्रुप में डाल देना, ठीक है ना, हम बता देंगे, ठीक है, तो इसको कल और बता देंगे, हेक्साडेसिमल वाला भी बता देंगे और डेसिमल वाला भी बता देंगे, ठीक, खुश, मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ोगे वो भी पढ़ा देंगे, ठीक है ना, ठीक है बाबू भेज देना, बता सर कहने से कंप्यूटर पढ़ाइएगा सर, अरे शैतान हम खुद बीटे, हम सब सब्जेक्ट पढ़े हैं बाबू, कंप्यूटर है खाली बायोलॉजी छोड़ के, ठीक है ना, बायोलॉजी छोड़ के हम इंजीनियरिंग में सब सब्जेक्ट पढ़े हैं, संस्कृत बायोलॉजी का कैसे करिएगा सर, संस्कृत बायोलॉजी हिस्ट्री ये सब नहीं पढ़े, जो साइंस पे पढ़े ना, जो साइंस पे पढ़े वो सब हम लोग पढ़े हैं, इंजीनियरिंग का भी